Hi, this is Ina Panchal and you're watching me on Bollywood Showbiz. Welcome to my channel. Now, how about your journey? Job, your journey start with you. Kaha se start with you? Kis tarike se start with you? Meri journey kafi background ke hisab se shuru hui thi. I was a background dancer, ended up being an assistant choreographer and ended up being a professionally performer. सो या इट हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. रोलर कोस्टर राइड था और वो रोलर कोस्टर राइड करते करते, क्योंकि मुझे फरारी रोलर कोस्टर सबसे ज़्यादा पसंद है और मैंने वो रोलर कोस्टर को एक्सटीप एंजॉय किया था. सो हाँ, मेरी लाइफ भी वैसी है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को. ओके, आज जब हम देखते हैं तो एक अलग ही आपका मुकाम है. वो टाइम पर कुछ होता, कितना स्ट्रगल था और क्या कुछ फेस करना पड़ा था? आप इसको स्ट्रगल मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते, बट या इन जनरल आप लोगों के बारे में बोलो, दे विल फील इट एज अ स्ट्रगल. बट मैंने अपना मोमेंट एक मिनट के लिए भी छोड़ा नहीं था कहीं पे भी, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी दोस्त, आई हैड गिवन माय 100%. आई लिव इन द मोमेंट. झगड़ा भी करना होता तो मैं बहुत अच्छे से झगड़ा भी कर सकती हूँ. सो हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं स्ट्रगल कभी नहीं करूँगी लाइफ में. हमेशा गॉड हैज़ बीन सो काइंड टू मी दैट ही हैज़ गिवन मी व्हाटएवर आई वांटेड. I wanted a family and my family is together, that's more important to me. So if you think that वो struggle था और उसके बाद मैं अपने family को बना पाई हूँ, then फिर ना that struggle. But for me it is not a struggle, it's a lovely journey of mine. From the age of 17 till 32, it is like you and. Okay, family में family support किस तरीके का था और सबसे ज़्यादा किसने support किया? मुझे मेरे family से mom dad दोनों की तरफ से, अब पता नहीं एक शब्द नहीं बोलता है, अपरंपार सपोर्ट था. हाँ, सो एंड स्पेशली आई वुड से माय डैड हुम आई कॉल माइकल, एंड ही हैज़ बीन द बेटर हाफ फॉर मी. बेटर हाफ आई वुडंट कंसिडर एज अ हस्बैंड और ब्रदर, और बट आई थिंक सो ही हैज़ ड्वेल इन ऑल द फेसेस ऑफ हिज लाइफ विद मी, एंड विच आई एम वेरी अप्रिशिएटेड ऑफ. अगर मैं बेटी बन जाती तो पापा बन जाते, अगर मैं लड़की बन जाती तो लड़के बन जाते. लाइक हम लोग ने पार्टी साथ में की है. वी आर, मेरे जितने भी बर्थडे पार्टीज होती है, आई थ्रो इट एट होम बिकॉज वी लव एंजॉयिंग एंड डांसिंग टू द वर्ल्ड. ओके, अभी जो फिलहाल जितने भी डांस हो गए, फीमेल जो एक्ट्रेस हो गए, तो वो कहीं ना कहीं खुद को दिखाने के लिए एक अलग ही बोल्ड अंदाज में आ जाते हैं, कुछ अलग कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है. तो उसके बारे में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट क्या कहना चाहूँगी आप? मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ. उन लोगों की स्ट्रैटेजीज होगी अपने आप को ऊपर लाने के लिए, बट मेरी स्ट्रैटेजीज वो नहीं है. एंड आई डोंट फील बैड अबाउट एनीवन. इवन इफ यू कॉल अबाउट पीपल हु टॉकिंग अबाउट उर्फी, पीपल हु टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल, शी इज ब्रिंगिंग अ गुड, आई वुड से हॉलीवुड स्टाइल. इट्स जस्ट दैट द प्लेसेस बिहाइंड हर्स आर द वन व्हिच इज स्क्रोइंग इट अप. अदरवाइज शी कैरीज इट वेल, शी एंजॉयज इट वेल, शी शोज इट वेल. So I appreciate that girl having such a guts to do it in India. In India, and people are yet not able to accept it. I hope they will, because everybody has their life and everybody wants to live it to the core. You like it or you don't like it, still she'll still keep growing. On what genre, that's her lookout. Rest my case. Okay, इससे पहले भी recently आपका एक song आया था, वो हमने देखा था, काफी लोगों को पसंद है. तो क्या कहना चाहोगे इस song के बारे में? वो गाना था संभल जा, हम संभलना जरा. रातों की महफिलों का असर है, ना कोई होश में ना कोई समथिंग लाइन्स आ रहे हैं. ओके, सो इट्स एक्चुअली अ स्टोरी टेलिंग ऑफ तीन शाणी मूवी विच आई रिसेंटली डिड एन प्रमोशनल सॉन्ग. आई वुडंट कंसिडर एज एन आइटम सॉन्ग बिकॉज मैं उस कहानी में, जैसे कि नौरा ने काफ़ी गाने किए, वैसे इट्स वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ जॉनर सॉन्ग वेयर शी इज एक्सप्रेसिंग पीपल टू पीपल व्हाट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस इन इंडिया and how people are dealing with it. वो सारी चीज़ें वो गाने में हैं. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी असिस्टेड बाई एंड टेकन केयर बाई चिनी प्रकाश, हु वॉज अ कोरियोग्राफर. आई नो हिम सिंस प्रेटी लॉन्ग टाइम. आई नो लॉट ऑफ कोरियोग्राफर्स, बट देन वी आर वर्क विद सरोज खान, चिनी प्रकाश एंड गणेश आचार्य, द थ्री लेजेंड्स, एंड द लेजेंड्स हैव मेड मी व्हाटएवर आई एम इन टुडेज़ टाइम.